दोस्तों हम लोग हैं अभी नागपुर में। ये छोटा नागपुर जो अंबिकापुर और मनेंद्रगढ़ रोड में है, ये वो नागपुर नहीं है जो महाराष्ट्र वाली है। तो यहाँ से जो भी लोग मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं ना, प्लीज लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हम लोग अभी नागपुर से क्रॉस होते हुए मनेंद्रगढ़ जाने वाले हैं, और वहाँ का जो सीन है वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ। यहाँ कुछ कोरिया नीर खुले हुए हैं, लेकिन स्थिति बहुत खराब है। इसके खिलाफ आप लोग आवाज उठाइए, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं अपील करूंगा कि जो कोरिया नीर है उसकी स्थिति गंभीर है, उसके बारे में थोड़ा सा आवाज उठाइए आप लोग। तो दोस्तों नमस्कार, मॉर्निंग के हो रहे हैं 9:13 और मैं अभी निकला हूँ मनेंद्रगढ़ के लिए। रोड खराब है, उसके वजह से थोड़ी साउंड आ रही होगी पीछे से, जो गाड़ी की टक 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 ऐसे कुछ आवाज आ रही होगी, तो उसको इग्नोर करना है। और मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ अभी क्या सीन है सामने का। रोड चौड़ा हो रहा है, उसके वजह से पूरा पेड़ हटा दिए गए, तो वेट करिए और देखिए पीछे क्या सीन है। यहाँ का जो रोड है वो होने वाला चौड़ा, और उसके वजह से पूरे पेड़ यहाँ से हटा दिए गए हैं। पुल पुलिया ब्रिज जो भी बनना चालू हो गया है, और इधर बगल में है हसदेव की नदी जो यहाँ का फेमस नदी है वो, तो लाखों पेड़ काटे गए हैं यार। ये बड़ी तकलीफ देती है कि सड़क भी तो चाहिए लेकिन पर्यावरण को इतना ज्यादा नुकसान करके, मतलब इतने सारे पेड़ काटे गए हैं उनको हटाया भी गया यहाँ से। तो आप लोगों का क्या कहना, क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट करना। और मनेंद्रगढ़ वाले भाइयों मैं आ रहा हूँ, तो प्रयास कीजिए कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं लाइक कर देना, चैनल पे नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थोड़े से बचे हैं, मुझे लगता है अगर हर जगह के लोग थोड़ा थोड़ा कर देंगे तो जल्दी ही 1,00,000 पहुंच जाऊंगा मैं। और कोई भी यूट्यूबर भाई जो काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, वो अगर देख रहे हैं ना वीडियो को तो कमेंट करना, कुछ चीजें आप लोगों से शेयर करनी है। और एक कोलैब वीडियो, मतलब मीटअप का प्लानिंग हो रहा है, जैसे ये कोविड हटेगा ना तो मैं एक मीटअप करने वाला हूँ जल्दी। और एक कवर सॉन्ग आएगा, कवर सॉन्ग नहीं बोलेंगे उसको, ओरिजिनल सॉन्ग आएगा, क्योंकि अब तो कवर सॉन्ग बनाना भी बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि चाहे वो टी सीरीज हो या वीनस हो, टिप्स हो, कोई भी हो, वो तुरंत कॉपीराइट क्लेम दे रहे हैं और कॉपीराइट वीडियो टेक डाउन करवा रहे हैं अगर आप कोई भी गाना यूज करते हैं अपने वीडियो पे, तो थोड़े ही दिनों में उस पर वो दे रहे हैं क्लेम दे रहे हैं और वीडियो को टेक डाउन के लिए नोटिस भेज रहे हैं। तो मैं एक एंथम बनाने का सोच रहा था, कुछ प्लानिंग हो रही है। अगर आप में से भी कोई इंटरेस्टेड है जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, या कोई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो मेरे साथ में काम करना चाह रहे हैं, तो प्लीज कमेंट करिएगा इस वीडियो के बीच में, ताकि उनसे बात हो सके और साथ में काम कर लें। दोस्तों आज है मनेंद्रगढ़ का टूर, और यहाँ पे जो मनेंद्रगढ़ में एक खास बात यह है ना कि वहाँ के खाने में स्वाद है। आप कुछ भी खाते हैं ना, चाहे वो हजारी होटल का रसगुल्ला हो या पेड़ा भंडार के पेड़े, तो वहाँ कुछ भी ऐसा आप खाते हैं ना तो एक अलग ही स्वाद है, अलग ही टेस्ट है वहाँ पे, चाहे वो आप खाना खाएं या हम लोग एक मेरा जो क्या बोलेंगे उसको पेटेंट एक जगह है जहाँ से मैं हमेशा पेटीज खाया करता हूँ, तो आज कोशिश करेंगे वहाँ का भी वीडियो में आपको दिखा दूँ। तो क्या टाइमिंग मैच किया मैं वो कि 2 सेकंड लेट हो गया और ये फाटक हो गई बंद। किस्मत है हमारी ऐसी कि पूछे बताएं क्या आपको, जस्ट 2 सेकंड, अगर आप ये ऐसे बोल सकते हैं कि बस 2 सेकंड आगे पीछे होता तो मस्त मैं निकल गया होता यहाँ से। अब बहुत दिनों के बाद ट्रेन भी तो देखने को मिलेगा। अरे सिर्फ एक डब्बा लेके जा रहे हैं ये भाई साहब। खोल दो भैया, जल्दी निकल जाएं। तो खुल चुकी है और अब भी हम लोग निकल रहे हैं सीधे यहां से। करीब थोड़ी ही दूर में है मनेंद्रगढ़, और भुट्टा जो है ना वापसी में यहाँ खाएंगे, भुट्टा और मूंगफली दोनों आपको एकदम ताजी सेकी हुई मिलती है। और मैं बात कर रहा था स्वाद की, तो मनेंद्रगढ़ में एक ऐसा स्वाद है यहाँ के पानी में कि उसकी वजह से सारी चीजों में टेस्ट आ जाता है।
आप लोगों को यहाँ क्या फेवरेट है वो प्लीज कमेंट करके बताइए, ताकि अगली बार जब मैं ब्लॉग करूँ ना तो उसके बारे में भी थोड़ा सा कवर कर लूँ कि आपके मनेंद्रगढ़ में क्या चीज ऐसा फेवरेट है जो वीडियो में शूट किया जा सकता है। तो प्लीज कम से कम 10 कमेंट आने चाहिए मनेंद्रगढ़ वालों, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज बताना कि क्या चीज यहाँ फेमस है, मैं कोशिश करूंगा अगले ब्लॉग में उसको डालने की। तो हम लोग अभी एक टर्निंग आएगी और वहां से मुझे लगता है 5 किलोमीटर होगा या जो भी है, क्योंकि अभी मैं कुछ भी बोल दूंगा ना तो कमेंट में बरसात होने लगेगी कि नहीं आपने गलत बोला, आपने 7 किलोमीटर को 5 बोला या 5 को 10 बोल दिया ऐसा। तो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा, इसमें कोई कमेंट नहीं कर रहा कि यहाँ से कितनी दूरी पे है, और बस जस्ट मुझे लगता है थोड़ी देर 5 से 7 मिनट में हम लोग पहुंचने वाले हैं। वहां से काम निपटा करके मैं थोड़ा सा ब्लॉग कर दूंगा आपको, मनेंद्रगढ़ दिखा दूंगा, प्रयास करेंगे कि कुछ अच्छा पॉजिटिव चीज आज दिख जाए कैमरे में, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा। दोस्तों मैं एक ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि एक वीडियो प्राइवेट जॉब पे भी करूँ कि कैसे हमारा जो दिन कटता है वो उसके बारे में आपको थोड़ा सा शेयर करूँ कि कैसे हम लोग ऑन कॉल रहते हैं, कैसे हमको बिल्कुल एक्टिव रहना है, कैसे हम हर फोन कॉल के लिए एकदम प्रिपेयर होते हैं कि कभी भी किसी का भी किसी भी डीलर का बॉस के कलीग्स के किसी के भी फोन आए, कोई भी क्लाइंट्स के, तो हम लोग कैसे एकदम बिल्कुल चार्म रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, उसके बारे में एक ब्लॉग करने का वीडियो बनाने का सोच रहा था। तो आप लोग में से कोई अगर इंटरेस्टेड है तो प्लीज बताइएगा ताकि मैं उस पर भी वीडियो करूँ, और इंटरेस्टेड कितने लोग हैं प्लीज कमेंट करिए, ताकि ना उस पर भी पता चलेगा कि हम लोग पूरे दिन भर जो काम करते हैं वो कैसे कैसे हैंडल होता है, कैसे हम लोग लोगों से मिलना जुलना, उसके बाद दिन भर एनर्जेटिक रहना, सबसे बड़ी बात कि आपको हारना नहीं है, मतलब सुस्त नहीं होना है, वो फुल एनर्जी के साथ में रहना है पूरे दिन भर। तो उसके बारे में एक वीडियो पूरा डेडिकेटेड मैं प्राइवेट नौकरी वालों के ऊपर, प्राइवेट जॉब वालों के ऊपर एक बनाना चाह रहा हूँ। तो आप में से अगर कोई ऐसे हैं जो नौकरी वाले हैं, प्राइवेट जॉब वाले हैं, और जिनको लगता है कि सच में स्ट्रगल है या एक चार्म है जो दिखता है वैसा है, तो प्लीज कमेंट करिए, मैं इस पे एक वीडियो करता हूँ और कोशिश करूंगा कि जो सच्चाई है वो ही सामने आए, कुछ भी ऐसा दिखावा या मनगढ़ंत नहीं करूंगा। जैसे कि हम लोग आप लोग समझते हैं ना कि एकदम ऐसे कार मेंटेन कर रखे हैं, सिंगल जा रहे हैं, है ना, फिर 5-star 3-star होटल में स्टे करना, मेट्रो सिटीज घूमना, फॉरेन ट्रिप, तो इन सब चीजों के पीछे में क्या डार्क सीक्रेट है वो भी बताऊंगा, और क्या इसमें अच्छी चीजें हैं वो भी आपके सामने आएगी, निगेटिव क्या है वो भी सामने आएगी। सबसे बड़ी बात हम प्राइवेट कंपनी वालों की, जॉब वालों की एक इशू है वो ये है कि दिन भर हमें एनर्जेटिक रहना है, कि हमारे पास में हमको नहीं पता कि अभी किसके फोन आने वाले हैं, वो मैनेजमेंट ऑफिस से हो या पता नहीं किसके हो, क्लाइंट्स के हो, डीलर के हो, करीब हम लोग मतलब पर हेड एक अच्छी कंपनी में करीब 1000 लोगों के आसपास की नेटवर्क होती है, जैसे कस्टमर, डीलर, जो हमारे मिस्त्री होते हैं जो काम करते हैं उनका, तो ऐसे करके 1000 लोग। अब उसमें से किससे बात करनी है, क्या बात करनी है, कब बात करनी है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट नौकरी में हैं, अगर हैं तो प्लीज बता दो मुझे, जुड़ जाओ मेरे साथ में भी, और जल्दी एक वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ उस पर लाने की। अगर सब लोगों को किसी को इंटरेस्ट होगा तो प्लीज कमेंट करना, वरना मुझे लगता है थोड़ा मेहनत भी है उसमें, 3-4 दिन समय भी लगेगा, और अगर उस पे आप लोग इंटरेस्ट दिखाओगे तब मैं वो वीडियो लाता हूँ। और मिलते हैं थोड़ी देर में फिर से मनेंद्रगढ़, मैं अपना काम थोड़ा कर लूँ, उसके बाद में वापस मिलते हैं लंच के टाइम पे, और उसके बाद में फिर शाम में, तो बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अभी हम लोग हो चुका रात के 7:39 और अभी भी हमारा ये फाटक बंद है, तो जैसे ही मैं पहुंचा हूं तो खुला, और अभी हम लोग यहां से निकल जाएंगे। आते समय भी आपने देखा था ये फाटक मुझे बंद मिली थी, मतलब मेरे किस्मत में ही है, मेरे किस्मत का फाटक बंद हो रहा है। और
अभी निकलते चलते चलते ज्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि रात भी हो चुकी है और आपको दिखने वाला तो कुछ है नहीं, तो उससे अच्छा है कि वीडियो को एंड करेंगे हम लोग जल्दी। और रोड भी खराब है, मैंने वो भी दिखाया था आपको। मनेंद्रगढ़ की जो बात है वो बात ही कुछ और है, अगर फोकस देता हूँ तो भी कुछ नहीं दिखने वाला है, तो आप लोग भी डरे सहमे रहेंगे कि दिखा क्या रहा है, बोल क्या रहा है। तो वीडियो अभी तक आप लोगों ने देख लिया है तो उम्मीद है पसंद आया होगा। बहुत अच्छा ब्लॉग नहीं कर पाया इस बार मैं, क्योंकि थोड़ी सी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी शहर में और वहाँ कैमरा लेके घूमना और वर्कलोड भी इतना ज्यादा था आज, तो काम वाम निपटा के अभी मैं जस्ट अभी निकल गया हूँ और घर पहुंच जाऊंगा मुझे लगता है 9:30 तक। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।